तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट आपने देखी अब हम लोग डिफाइन करते हैं टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे समझने के लिए और वो है हमारे लिए स्पेसिफिक हीट ठीक है ये स्पेसिफिक हीट क्या है वो हम समझते हैं देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ठीक है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस ठीक है जैसे हमने कैलोरी को क्या डिफाइन किया था पहले एक बार याद करते हैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रोकते हैं और एक बार कैलोरी की डेफिनेशन याद करते हैं कैलोरी क्या थी एक ग्राम पानी को हीट करने के लिए जितनी हीट लगती है उसे हम क्या बोलते हैं कैलोरी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एक सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होती है ठीक है क्या है it is the amount of energy or heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree celsius or 1 kelvin okay and that much amount of heat is called specific heat of that substance okay go agar एक ग्राम आपने सपोज करो कॉपर ले लिया कितना एक ग्राम कॉपर ले लिया ठीक है और इसको वन डिग्री सेल्सियस से हीट किया मतलब उसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से यूनिट टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया ठीक है उसको करने में आपने कुछ हीट सप्लाई की होगी वही हीट कितनी है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर समझ आ क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सबस्टेंस इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सबस्टेंस तो अगर मैं यूनिट मास वन ग्राम ले रहा हूं तो वो ग्राम के टर्म्स में स्पेसिफिक हीट को मेजर करेंगे अगर मैं यूनिट मास किलोग्राम में ले रहा हूं तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट किलोग्राम में आ जाएगी बस थोड़ी सी किलोग्राम वहां पर इन्वॉल्व होगा आई मीन ठीक है बच्चों तो सिंबल क्या है स्पेसिफिक हीट का एस है या कभी कभी सी यूज कर लेते हम लोग ठीक है स्पेसिफिक हीट के लिए जो तो सिंबल यूज होता है वो क्या होता है एस या फिर सी तो कॉपर के लिए अलग होगी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर मैं आयरन के लिए बात करता हूं तो कुछ और होगी और अगर मैं सपोज करो वैक्स के लिए यूज करता हूं कुछ और वाटर के लिए आइटम यूज करूंगा तो कुछ और तो स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल आल्सो ठीक तो इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस इज इंक्रीज बाय सपोज करो डीटी या सपोज करो कि हमने किसी बॉडी के टेम्परेचर को कहां से कहां तक चेंज किया टी से उसको चेंज करा टी प्लस डी तो इंक्रीज कितना हुआ डी से उसका मास सपोज करो एम था ठीक है और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो थी वो डी क्यू थी ठीक बॉडी को डी टी टेम्परेचर से हीट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो लेटेस से डी क्यू है तो स्पेसिफिक हीट सी या एस डिफाइंड है कैसे डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी ठीक ये कैसे आया इसको और समझाता हूं मैं देखो बॉडी को डी क्यू हीट रिक्वायर्ड है हीट रिक्वायर्ड जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि उसे कितना गर्म करना चाहते हो ठीक अगर मैंने बोला कि डी क्यू हीट रिक्वायर्ड है कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगी तो डी क्यू इज प्रपोर्शनल टू डी टी ठीक है dq और किस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना मास गर्म करना चाहते हो उस पर तो डी क्यू इज इक्वल टू आता है बेटा एम डी टी के प्रपोर्शनल ठीक है और एक प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो है डी क्यू इज इक्वल टू क्या बनता है एस एम डी टी ठीक है तो यहां से अगर एस कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आ जाता है बच्चों डी क्यू अपॉन एम डी टी ठीक है यहीं से आया है देखो अगर डी टी को मैं क्या कर दू वन डिग्री सेल्सियस और मास को भी क्या कर दू वन डिग्री सेल्सियस ठीक सॉरी वन ग्राम कर देते हैं ठीक है वन ग्राम अगर मास हमने ले लिया और टेम्परेचर चेंज जो है या इंक्रीज जो है वो वन डिग्री सेल्सियस ले लिया तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर तो बन गया वन तो स्पेसिफिक हीट हीट डायरेक्टली के बराबर हो जाता है है ठीक तो मास और टेम्परेचर चेंज अगर वन होते तो हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों बराबर हो जाते हैं इसीलिए डेफिनेशन आई है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मास लेते हैं यूनिट मास टेम्परेचर चेंज लेते हैं वन तो फिर जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, ठीक इस रिलेशन को आप याद रखो क्या है ठीक है? स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो किन बातों पर डिपेंड कर सकती है किसी सब्सटेंस के ऊपर लगाया हुआ प्रेशर उसके वॉल्यूम पे और उसके टेम्परेचर पर ठीक है उसके टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर डिफर कर जाती है ठीक है तो आगे चलते हैं हम लोग बच्चों अगली बात क्या है देखो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स आर मोस्ट ऑफ एंड मेड एट अंस्टेंट प्रेशर ठीक है कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो लिक्विड और सॉलिड के लिए डिफाइंड होती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जनरली वो टेम्परेचर कहां पे लिया जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करना प्रैक्टिकली बहुत इजी होता है ठीक है बेटा इजी का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टेंट प्रेशर आप ओपन एयर में ही बात कर लो जैसे मैंने बोला बेटा ये लिक्विड हमने एक कंटेनर में फिल कर लिया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है एटमोस्फियरिक प्रेशर ठीक है एटमोस्फियर प्रेशर लग रहा है यहां पे एटमोस्फियरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ बेटा आपको याद होगा पी नॉट के टर्म्स में बोलते हैं इसको क्या लिखते हैं हम लोग 1.01 पॉइंट जीरो टू पावर 5 पास्कल या इसको वन atm भी हम लोग बोल देते हैं ठीक है तो एक atm कितना प्रेशर होता है into 10 to power 5 पास्कल. ये क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है ओपन एयर में किसी बॉडी को रख दो तो उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे लिए एक atm। तो जब स्पेसिफिक हीट को खुले एयर में रख करके मेजर करते हैं तो उसे क्या बोल दिया कि कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट का मेजरमेंट हुआ है ठीक तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर इजिली हम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं तो जनरली जो डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक हीट की वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही दी जाती है ठीक है अगर अब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हुआ कि किसी किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है और किसी स्पेसिफिक हीट की किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कम है इसका क्या मतलब समझेंगे कि कितना ईजी है ठीक है उसको एक डिग्री सेल्सियस से गर्म करने का। अगर मैं बात करूं सपोज करो बेटा आयरन फ्राइंग पैन है हमारे पास और इसको एक डिग्री सेल्सियस से गर्म करना होता है ना वो तुरंत गर्म हो जाता है आप उसको फ्लेम पे रखो और आयरन फ्राइंग पैन जो है वो एक डिग्री सेल्सियस से शायद पांच दस सेकंड में ही गर्म हो जाएगा बट अगर हमारे पास एक अर्दन पॉट होता मिट्टी का बर्तन और उसको आप अगर फ्लेम के ऊपर रखते हो तो उसकी जो हीट होती है बेटा वो धीरे 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 बढ़ती मतलब टेम्परेचर बढ़ता है ऐसा क्यों क्योंकि दोनों के हीट में बहुत डिफरेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है इसका मतलब वो इजी टू हीट है ठीक मेटल्स की जो स्पेसिफिक हीट होती है जनरली लो होती है उनको ईजिली हीट किया जा सकता है उनके टेम्परेचर को इजीली इंक्रीज किया जा सकता है बट अदर आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट उनकी स्पेसिफिक हीट बेटा बहुत लार्ज होती है, उनको एक डिग्री सेल्सियस से ही गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है ठीक है अगर मैं स्पेसिफिक हीट की कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो एस ऑफ वाटर ठीक है बेटा वाटर जो होता है ठीक है वो होता है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करने के लिए हमारी बात भी हुई थी एक कैलोरी हीट लगती है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ऐसे ही बेटा अगर मैं आइस की स्पेसिफिक हीट आपसे पूछू तो आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है यह होती है वन बाई टू कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट का मतलब एक ग्राम पानी को डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए एक कैलोरी हीट लगती है अगर आइस है आपके पास और एक ग्राम आइस को एक डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है हाफ तो बेटा किसको गर्म करना इजी है वाटर और आइस तो आप बोलोगे सर इसको तो हाफ कैलोरी में ही गर्म कर सकते हैं और इसको वन कैलोरी लगती है तो आइस को गर्म करना इजी है ठीक है बेटा सिमिलरली किसी मेटल की बात करूं एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर तो उसके लिए पॉइंट वन आती है एक्चुअली पॉइंट वन कैलोरी के आसपास है मतलब कॉपर को हीट करना पानी से भी ज्यादा आसान है ठीक है इसीलिए जो हम बर्तन यूज करते हैं बेटा वो बर्तन हम किसके लेते हैं मेटल के लेते हैं क्योंकि उनको हीट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता उनके अंदर रखे हुए सब्सटेंस आराम से फिर हीट हो जाते हैं अगर सपोज करो अर्धन पॉट आप यूज करो डेली कुकिंग के लिए तो अर्ध पॉट पता लगा रखा आपने गैस पे और इसको हीट करने में ही पांच मिनट लग गए कि वो पूरा फुल्ली हीटअप हो पाए ठीक है पांच मिनट बाद तो उसके अंदर के सामान पे हीट पहुंची और वहीं पे अगर आपने आयरन का यूज किया पॉट बेटा तीस सेकेंड बाद वो पूरा हीट अप हो चुका था और उसको फिर यूज कर सकते हो आप कुछ भी अंदर पुट करके कुकिंग के लिए ठीक तो स्पेसिफिक जिसकी ज्यादा होती है वो डिफिकल्ट टू वार्म होता है ठीक है तो आयरन पैन जो है वो हमारे लिए क्या हुआ इजी टू वार्म अर्दन पॉट जो है वो है हार्ड टू वार्म अप तो वहीं पे देखने को मिला हीट इज स्मॉल इसीलिए ऐसा हुआ और लार्ज इसीलिए अर्दन पॉट को हीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ठीक इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल पर केजी पर केल्विन ठीक है अगर आप हीट को जूल्स मास को केजी और टेम्परेचर को केल्विन में यूज कर रहे हो तो एसआई यूनिट बन जाएगी वो ठीक बट अगर दूसरी यूनिट्स की बात करूं तो सीजीएस में क्या हो जाएगा हीट की जगह कैलोरी मास में ग्राम और टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं तो वो सीजीएस सिस्टम में आ जाएगी यूनिट ठीक है कभी अगर बड़ी यूनिट लगे तो कैलोरी की जगह किलो कैलोरी ग्राम की जगह किलोग्राम भी जनरली यूज करते रहते हैं ठीक नेक्स्ट जो बात हमें पढ़नी है बच्चों वो क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मैं थोड़ी देर पहले आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बताया भी था ठीक है तो यहां पे उसको देख लेते हैं वो कितनी होती है अगर सी ऑफ वाटर की बात करी जाए आपसे तो वो कितनी होती है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और अगर मैं इसी को कैलविन में लिखता हूं तो यूनिट क्या बन जाती है वन कैलोरी पर ग्राम पर कैलविन क्योंकि एक डिग्री सेल्सियस का चेंज एक डिग्री सेल्सियस का चेंज वन डिग्री सेल्सियस चेंज ठीक है इज इक्वल टू वन केल्विन का चेंज ठीक है एक डिग्री सेल्सियस से किसी बॉडी को गर्म करना और एक केल्विन से एक बॉडी को गर्म करना बिल्कुल सेम बातें होती हैं ठीक है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस का साथ चलता है ये ध्यान रखिएगा अगर कभी बड़ी यूनिट चाहिए हो बच्चों ठीक है तो वो कि, किस किसमें जाएंगे फिर वन किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन ठीक है अच्छा मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर एक केजी यानी एक हजार ग्राम पानी को गर्म करना हो एक केल्विन से तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वन किलो कैलोरी ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था इसको बेटा रिपीट कर देता हूं अगर एक ग्राम पानी है कितना पानी है वन ग्राम और इसको हीट क्या करना है मतलब डेल्टा टी क्या यूज करना है आपको वन डिग्री सेल्सियस और वन केल्विन तो कितनी हीट लगती है वन कैलोरी ठीक वहीं पे अगर आपने इसका थाउजेंड टाइम्स वाटर ले लिया वन के ठीक है थाउजेंड ग्राम पानी ले लिया डेल्टा टी इस बार भी आपने क्या लिया डिग्री सेल्सियस तो बेटा इस बार जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी एक हजार गुना हो जाएगी पानी थोड़ा सा है तो थोड़ी हीट ज्यादा पानी है तो उसको हीट वो कितनी आती है? वन कैलोरी या वन किलो कैलोरी ठीक है तो इसलिए यूनिट भी क्या हो गई वन किलो कैलोरी पर केजी पर कैलविन और बेटा हम जानते हैं कि एक कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है फोर पॉइंट टू जूल उसमें थाउजेंड का मल्टीप्लाई कर लो देखो फोर पॉइंट टू इंटू वन थाउजेंड ये एक किलो कैलोरी है तो उसको क्या लिख सकते हो फोर्टी टू हंड्रेड जूल ठीक है पर केजी पर केल्विन तो ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछी जाए स्पेसिफिक हीट की तो क्या लिखोगे जूल पर केजी पर केल्विन जूल पर केजी पर केल्विन ठीक है तो ये एसआई SI यूनिट में वैल्यू है और ये सीजीएस यूनिट में वैल्यू है ठीक है इस बात को हम ध्यान में रखते हैं आगे चलते हैं अब हम लोग ठीक देखो बेटा क्या कहता है स्पेसिफिक हीट तो स्पेसिफिक हीट का एक और कनेक्शन जो मैंने आपको समझाया था वो भी यहां पे देख लेते हैं वेन अ सब्सटेंस डज नॉट अंडर गो फेज चेंज कहने का मतलब जब बॉडी फेज चेंज नहीं कर रही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो रही गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रही सिर्फ उसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है फिर से किसी बॉडी को कितनी हीट रिक्वायर्ड है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका पहला सवाल क्या होगा कि भाई कितना मास है उस बॉडी का ठीक तो हीट रिक्वायर्ड जो होगी वो उसके किस पे डिपेंड कर जाएगी बेटा मास पे डिपेंड कर जाएगी फिर मैंने पूछा हीट कितनी रिक्वायर्ड है तो अगला सवाल क्या होगा गर्म कितना करना है वॉट टेम्परेचर चेंज डू यू रिक्वायर तो मैंने बोला कि फिर इस बात पे तो ये भी कह सकते हैं कि जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो चेंज इन टेम्परेचर ठीक है उस पर भी डिपेंड करेगा तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट अ बॉडी ऑफ मास एम ठीक है बाय इन बाय डेल्टा टी टेम्परेचर ठीक है विल बी दिस मच कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा या फिर एम एस डेल्टा t डेल्टा थीटा लिख सकते हैं डेल्टा t भी लिख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज लिखने के लिए ठीक है यहां पे जो s है ये क्या है बेटा स्पेसिफिक हीट हो गई हमारे लिए क्या हो गई स्पेसिफिक हीट ठीक तो किसी बॉडी को जिसका मास एम है डेल्टा टी टेम्परेचर से ठीक है टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा किसी बॉडी का अगर स्पेसिफिक ज्यादा है तो उसको हीट भी ज्यादा चाहिए होगी किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कम है तो उसको हीट भी कम चाहिए होगी ठीक ऑब्वियस है दो बॉडीज हैं जिनका स्पेसिफिक हीट सेम है तो फिर मास पे बात आ जाएगी कि भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसको हीट ज्यादा चाहिए होगी मैंने बोला भाई मास भी सेम है स्पेसिफिक हीट भी सेम है फिर जितना टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा उस हिसाब से हीट लगेगी राइट जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं मैंने बोला अगर हमारे पास बेटा फोर ग्राम वाटर है क्या है फोर ग्राम एच टू ओ है और इसको सपोज करो दस डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है ठीक है मान लो पहले जीरो पे था अब दस पे ले जाना है उसको ठीक कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी तो आप बोलोगे सर Q इज इक्वल टू होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा मैंने बोला बेटा मास लिख दे फोर ग्राम्स स्पेसिफिक हीट क्या हो गई अच्छा स्पेसिफिक हीट क्या होती है वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और डेल्टा थीटा कितना हीट मतलब कितना टेम्परेचर का चेंज रिक्वायर्ड है तो आपने बोला सर दस डिग्री सेल्सियस देखो यहां पे कौन कौन सी यूनिट्स कैंसिल हो गई ध्यान से देखते हैं क्या बचती है वो भी देखते हैं ग्राम को ग्राम ने कैंसिल किया डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस ने कैंसिल किया फोर इंटू वन इंटू टेन फोर्टी कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगी ठीक है तो चार ग्राम पानी को दस डिग्री सेल्सियस से हीट अप करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है बेटा वो कितनी है 40 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगी इजी है एक ग्राम के लिए एक डिग्री सेल्सियस के लिए वन कैलोरी होती है और इतना इंक्रीज करने पे मास को भी इंक्रीज किया है और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इंक्रीज किया हीट कितनी चाहिए 40 कैलोरी तो देखो अब हमने ये सब देखा इससे हम क्या समझेंगे वो देख लीजिए कि किसी बॉडी का मास अगर दिया हुआ है आपको एम ये सब हटाता हूं मैं और एक बार बच्चा शुरू से सोचते हैं कि अगर बॉडी का मास दिया हुआ है आपको एम उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है डेल्टा थीटा और आपको कहीं से उसकी स्पेसिफिक हीट पता है एस तो जो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा एम एस डेल्टा थीटा यहां पे एम उसका मास एस उसकी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर इस बात को ध्यान में रखना है चलो भाई अब क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ये क्या कहना चाहता है ये जो हमारा हेडिंग है ये क्या कहता है कि भाई अगर आप प्रेशर एक एटमोसफेयर कर देते हो तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी वैरी करती है पानी के लिए ठीक है देखो स्पेसिफिक हीट हम किसमें मेजर करते हैं वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये तो याद होगी मैंने अभी अभी बताया था आपको तो ये मिनिमम होती है करीब फोर्टी डिग्री सेल्सियस के आसपास में और उसके इधर और इधर थोड़ी सी बढ़ जाती है क्या समझे टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करते हैं स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है पानी की थोड़ी सी आगे और पीछे होती रहती है बट जनरल कैलकुलेशन के लिए क्योंकि ये इतना छोटा वेरिएशन है बच्चों तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हमारे लिए जो पानी की स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होती है फॉर अ गिवेन रेंज जीरो से एट्टी जीरो से हंड्रेड जो भी हम हमारा पानी रहता है जहां से जहां तक वहां पे हम अप्रॉक्सीमेटली उसको वन ही अज्यूम करते हैं बट एक्चुअली वन जो है ना वो उसकी मिनिमम स्पेसिफिक हीट है ठीक है जीरो के आसपास वो भी बढ़ जाती है और एट्टी और हंड्रेड के आसपास जाओगे फिर से स्पेसिफिक हीट बढ़ जाती है ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कोई पूछे कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट रहती है तो आप बोलोगे नहीं स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस कैन वेरी विथ चेंज इन इट्स टेम्परेचर ठीक है इस बात को मैंने एक एग्जाम्पल से दिखाया अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा अलग अलग सबस्टेंसेस की बात करूं फिर भी स्पेसिफिकॉट अ कॉन्स्टेंट इट वैरिज विथ टेम्परेचर ठीक है एक बॉडी का ही स्पेसिफिक हीट अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकता है बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो एक कॉन्स्टेंट है ये ध्यान में आपको रखना चाहिए ठीक है तो इट्स वेरिएशन इज लेस देन वन परसेंट ओवर ठीक है इंटरवल फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इसलिए उतना ज्यादा हम लोग इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे इतना छोटा जो वेरिएशन है सॉलिड और लिक्विड में तो इसलिए कैलकुलेशन में ध्यान रखना भाई कि कांस्टेंट अगर वैल्यू दी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है चलो अब एक बात करता हूं कि भाई अगर मैं गैस को हीट करना चाहता हूं तो उसको हीट देने में कैसे दिया जाएगा जैसे लिक्विड की बात करी हमने और सॉलिड की बात करी तो कांस्टेंट प्रेशर हम जनरली यूज करते हैं बट एक गैस को हीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको मेनली हम नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडाइनेमिक्स में डिस्कस करते हैं ठीक है लेकिन फिर भी अगर यहां पे मुझे बात करनी हो कि एक गैस है और उसको आपको हीट प्रोवाइड करनी है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो किस तरीके से उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है तो मैं जनरली पहले बात कर लेता हूं ठीक है स्पेसिफिक हीट कैन बी एसोसिएटेड विथ ईच प्रोसेस गैस के लिए अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं ठीक है थीके? जैसे बेटा अगर मैंने बोला कि कांस्टेंट प्रेशर रखा गया है कैसा प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर है गैस का तो उस समय पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इसको सीपी से डिफाइन करते हैं ठीक है पी वहां पे क्या डिफाइन कर रहा है कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट है बेटा वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर निकाली गई है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है आपने तो हम बोलते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक हीट होगी वो सीवी होगी सीवी, वी का मतलब वहां पे क्या माना जाएगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट गैस वाज मेजर्ड कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट, ठीक है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो है ना बेटा वो उस पर कैसा प्रोसेस यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमको वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैन वैरी फ्रॉम जीरो टू इनिटी अब ये बड़ी अजीब सी बात है ऐसा कैसे बोला गया कि स्पेसिफिक हीट जो है बेटा जीरो भी हो सकती है और इन्फिनिटी भी हो सकती है मैं समझाता हूं देखो स्पेसिफिक हीट एस जो है हमने कैसे डिफाइन किया था डी क्यू डिवाइडेड बाई एम अपॉन डी टी ठीक है अगर बेटा किसी मटेरियल का फेज चेंज हो रहा हो किसी मटेरियल का फेज चेंज हो रहा हो तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ठीक कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब डी की जो वैल्यू है वो क्या है जीरो है ठीक है तो ड्यूरिंग फेज चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर इज अ अंस्टेंट ठीक है बेटा टेम्परेचर क्या हो गया कॉन्स्टेंट तो dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो गया जीरो अगर dt की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है बेटा ठीक है तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी टेंडिंग टू इंफिनिटी बहुत लार्ज हो जाएगी मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी भी हीट दो कितनी भी हीट दो कितनी भी हीट दो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि वो हीट उस समय कहां जा रही होती है फेज चेंज प्रोसेस में लग रही होती है ठीक है तो किसी बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो इंफिनिटी होता है ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज प्रोसेस ठीक है अच्छा भाई मैंने बोला कि उसकी स्पेसिफिक हीट जीरो भी हो सकती है ठीक है तो किसी किसी बॉडी के लिए हो सकता है कि एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल हीट देनी ही ना पड़े ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं बच्चों एडिया प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस नाम ध्यान रखना एडियाबैटिक एडीआई ए बी ए टी आई सी एडियाबैटिक प्रोसेस मैं इसको फिर से अच्छे से लिख देता हूं ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के समय ठीक है हीट की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है जीरो हीट बॉडी को नहीं दी जाती उस प्रोसेस के समय और फिर भी उसके टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो एस की जो वैल्यू बन जाती है वो क्या बन जाती है जीरो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए तो स्पेसिफिक हीट कब होगी प्रोसेस के समय एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी डज नॉट एक्सचेंज एनी हीट विथ द सराउंडिंग ध्यान रखना और जब फेज चेंज प्रोसेस चल रहा होता है तब उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है इंफिनिटी होती है ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी है समय आने पर इसको फिर से रिकॉल करेंगे हम लोग ओके आगे चलते हैं देखो जनरली टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट आर मेंशन फॉर अ गैस ये हमने अभी भी डिफाइन किया था कौन कौन सी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको सीवी लिखते हैं और स्पेसिफिक हीट प्रेशर जिसको सीपी लिखते इन दोनों क्वांटिटीज को हम यूज करेंगे बट इन दर्मोडाइनामिक्स चैप्टर ठीक है स्पेसिफिक कैन बी मोलर और ग्राम इन मतलब मोल्स के लिए भी ये कैलकुलेट होती है और कभी कभी ये ग्राम्स में भी कैलकुलेट होती है ठीक है चलो यहां तक काफी डिटेल में हमने चीजों को देखा अब बच्चे हम क्या करते हैं एक नई चीज के बारे में देखते हैं वो क्या है मोलर हीट कैपेसिटी ठीक वो क्या है जब हम एक मोल सब्सटेंस लेकर के बात करते हैं तब उस क्वांटिटी में मोलर और ऐड हो जाता है ठीक है उसके नाम में तो देखो मोलर क्या है द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ठीक है ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस ऐसे बोलना चाहिए रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस बाय वन डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी ठीक पहले हमने जो देखा था वो वन ग्राम यूनिट मास में चल रहे थे तो वैसे ही मोलर में जाते हैं तो क्या डेफिनेशन बन जाती है कि एक मोल सब्सटेंस को एक डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी ठीक तो उस केस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं देखो हीट रिक्वायर्ड जो होगी बट्टो वो किस पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स यानी एन ठीक है द टेम्परेचर इंक्रीज मतलब डेल्टा टी तो हीट का फॉर्मूला क्या आता है यहां पे एन सी डेल्टा टी ठीक है यहां पे एन क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स सी क्या हो गया मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी के हाँ पे हो गया टेम्परेचर चेंज ठीक देखो मोलर हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर वेट एंड स्पेसिफिक हीट इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं बोलूं मोलर हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना हो तो वो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास लिख देता हूं मैं यहां पे ठीक है तो अगर मैं सी लिखना चाहता हूं तो वो क्या लिखूंगा S इंटू एम नॉट ये कैपिटल सी लिखा है बेटा स्पेसिफिक हीट हम स्मॉल एस एस या कैपिटल में लिखते थे मोलर हीट कैपेसिटी के लिए मैं कैपिटल सी यूज किया यहां स्पेसिफिक हीट मोलर मास स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं वैसे भी वन ग्राम के लिए डिफाइंड है तो उसमें मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया मतलब उतने ग्राम के लिए अब बात होने लग जाएगी ठीक इसको ध्यान में भी रख सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Specific heat into molecular weight.